नमस्ते। और मैं राजकुमारी, मेरे यूट्यूब चैनल राज टेरेस गार्डन में आपका स्वागत है। और फ्रेंड्स, मैं आप सब काम करके फ्री हो चुकी हूँ, तो अभी आज मैं आपको एक नई चीज़ बताऊंगी फ्रेंड्स, जो मैंने की है आज। और अभी आपको मैं टाइम बता देती हूँ। टाइम हो गया है फ्रेंड्स, 3 बज चुकी है। प्लांटों में ना हल्का हल्का पानी का छिड़काव कर दिया था सुबह, और देख लीजिए, आपको मैं दिखाती हूँ अभी। फ्रेंड्स, मैंने सारे प्लांटों को, मतलब मनी प्लांट को सारे अच्छे से ने पानी का शावर कर दिया था। और फ्रेंड्स, ये पीला पत्ता हो चुका है क्योंकि इनका भी पतझड़ आता है फ्रेंड्स, तो मैंने अच्छे से इनको धुलाई वुलाई कर दी थी। और अरे का पाम को भी धो दिया था फ्रेंड्स। मनी प्लांट को मैं ठीक करने की रोज़ सोचती हूँ, फिर भी फ्रेंड्स ये ठीक करने का मुझे टाइम नहीं मिल रहा। और फ्रेंड्स, काफ़ी बड़ी हो चुकी है ये, और फ्रेंड्स इसको मैं करूँगी, पर फ्रेंड्स सोच रही हूँ इसको, देखो कल करने का सोचूंगी फ्रेंड्स, क्योंकि बेचारी है ना, बहुत सारी बड़ी हो चुकी है ये। और इधर ये मेरा बूस्ट एंड बर्न है फ्रेंड्स, ये भी अच्छे से चल रहा है। और एक क्रोटॉन है फ्रेंड्स, इनमें भी मैंने हल्का हल्का शावर कर दिया था पानी का। और इस प्रकार से है ना फ्रेंड्स, ज़्यादा पानी नहीं डालना चाहिए। और देखो मेरा सेफलरा, ओ सॉरी फ्रेंड्स, ये सिंगोनियम का देखो कितने अच्छे से इसे ग्रोथ अब चलने लग गई है बढ़िया। और बस मैंने हल्का हल्का शावर किया था फ्रेंड्स, सर्दी का टाइम है और अभी इनमें ज़्यादा पानी डाल नहीं सकते क्योंकि ये ही नहीं सूख पाता इनके अंदर से। और फ्रेंड्स, बिना छेद वाले पॉट में कैसे लगाया जाता है पौधा, तो फ्रेंड्स इसका वीडियो मैंने अलग से बना रखा है, आप देख लेना मेरी प्ले लिस्ट में। और फ्रेंड्स, मेरी जेट प्लांट मैंने उस दिन अलग करके लगाई थी फ्रेंड्स, अच्छे से लग चुकी है। और देखिए तुलसा जी जो अलग से निकाल के लगाई थी फ्रेंड्स, जो मैंने लगा दी इसमें। और फ्रेंड्स, धूप में कम से कम 2-3 घंटे की धूप तो बिल्कुल मिलना चाहिए। इधर फ्रेंड्स मेरे जेट प्लांट है, जो भी मैंने उस दिन चेंज किए थे इनको, और ये भी लग चुके हैं बढ़िया से। और ये इसका मैं बोनसाई बनाऊंगी सब फ्रेंड्स, ये बोनसाई बनाने के लिए ये इनको ट्री टाइप दे दिया है मैंने, तो अब बस अब गर्मी स्टार्ट हो जाएगी ना फ्रेंड्स, जब इनके अच्छे से बन पाएंगे। और ये देखिए इधर ये सब चलते हैं छत पे। और फ्रेंड्स, छत पे मैंने ना आज एक काम बहुत अच्छा किया है, और फ्रेंड्स वो बहुत करना बहुत ज़रूरी था फ्रेंड्स, मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि ना काम को वो किया जाए। और फ्रेंड्स वो मतलब प्लांट ऐसा है कि वो मेरे पौधों के लिए बहुत ज़रूरी है, तो अभी चलते हैं छत पे। फ्रेंड्स, कल तो मकर संक्रांति थी, तो कल लड्डू बाटी भी बना लिए थे जिसे चूरमा बाटी बोला जाता है। और कल बच्चों के साथ एंजॉय किया था बढ़िया, पतंग वतंग उड़ा के। और अब आ चुकी हूँ फ्रेंड्स मैं छत पे, यहाँ आज भी है ना बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, पर ज़्यादा नहीं उड़ा रहे फ्रेंड्स, कोई कोई बच्चे उड़ा रहे हैं क्योंकि अभी है ना जो छुट्टी लग चुकी है बच्चों की स्कूलों की। और फ्रेंड्स, जो काम मैंने आज किया है वो आपको दिखाती हूँ। मैंने स्वाटर पहन लिया क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। और फ्रेंड्स, वो काम था मेरा ना, जो मेरा एलोवेरा था ना फ्रेंड्स, तो उसमें अंदर मैंने एक गलती कर दी थी, तो मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए मैंने ये तगारी है, ये मेरी दूसरी तगारी में से मैंने फ्रेंड्स सारा ये ना एलोवेरा उसमें से हटाकर ये लगाया। और फ्रेंड्स, जो पहले लग रहा था ना, तो उसके अंदर मैंने गलती ये करी थी, मैंने घास मतलब जैसे होती है ना दोब होती है, तो फ्रेंड्स मैंने इसमें डाल दी थी, तो इसने क्या किया कि पूरी है ना जो पूरी मतलब पोट को मतलब इस गमले को मतलब इसे जकड़ लिया था, तो इसकी वजह से मेरा एलोवेरा की है ना ग्रोथ बिल्कुल रुक चुकी थी। तो फ्रेंड्स इसको हटा के पूरा ही, और फिर से मैंने है ना एलोवेरा है ना जो बेलडन मिट्टी है फ्रेंड्स, इसके अंदर जो मैंने रेत कुछ ज़्यादा मात्रा में ले रखी है, तो इसमें मिलाकर और फ्रेंड्स मैंने ये जो अलग अलग लगा दिया है। और फ्रेंड्स, एलोवेरा मेरा बहुत काम आता है क्योंकि मैं जैसे मनी प्लांट वगैरह होती है ना, एलोवेरा के इतने फ़ायदे हैं कि उसके तो हज़ार फ़ायदे हैं। और फ्रेंड्स, एलोवेरा मेरे मतलब मैं इसको करती तो नहीं फ्रेंड्स, पर मेरी बेटी है ना जो वो अपने चेहरे पे लगाती है, तो उसके काले धब्बे हो रहे थे फ्रेंड्स बहुत सारे, तो उसके है ना बहुत आराम मिल गया, तो फ्रेंड्स वो रोज़ ही है ना एक पत्ती काट लेती है, तो इस वजह से ना फ्रेंड्स मैंने सोचा ये तो पूरा ही ख़त्म हो जाएगा, तो फ्रेंड्स मैंने उसको अच्छे से आज लगा दिया क्योंकि धूप की वजह से फ्रेंड्स उसके अंदर जो ग्रोथ नहीं हो रही थी, तो फ्रेंड्स उसको चेंज करना बहुत ज़रूरी था। और एलोवेरा तो इतना फ़ायदेमंद है फ्रेंड्स कि गार्डन में होना ही चाहिए। तो एलोवेरा के ऊपर मैंने एक क्या फ्रेंड्स, मैंने कई वीडियो बना रखे हैं कि एलोवेरा के हज़ारों फायदे हैं, तो फ्रेंड्स अभी तक आपने गार्डन में एलोवेरा नहीं लगाया है तो फ्रेंड्स ज़रूर लगाना। और फ्रेंड्स, एलोवेरा को कैसे लगाया जाता है, तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है, तो मेरी प्ले लिस्ट में आप जाके चेक कर लेना।
काम और करा था, जो मैंने लहसुन प्याज का छिलके का जो पानी था फ्रेंड्स, मैंने सुबह डाल दिया था। तो फ्रेंड्स उसको मैंने ने जो डाल के भी बता रखा है आपको, जैसे एक गिलास है तो फ्रेंड्स उसमें दो गिलास पानी मिलाकर मैंने सारी ही है ना जो मेरे पौधों में डाला था। तो फ्रेंड्स लहसुन प्याज के छिलकों में बहुत ही मतलब प्रोटीन, आयरन, मैग्नीशियम बहुत ऐसे होते हैं जो पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो फ्रेंड्स वो डाल दिया था मैंने। और आज फ्रेंड्स मुझे है ना थोड़ी इस हरी सब्जी की है ना जो हार्वेस्टिंग लेनी है, तो देखिए अभी आगे क्या क्या शेयर करती हूँ आपके साथ। मेरे जीनिया के फ्लावर बहुत मस्त तरीके से खिल रहे हैं। और फ्रेंड्स ये गेंदे जा रहे कि मैंने कल लगाई दी थी। और फ्रेंड्स ये इधर कटिंग कटिंग का कलेक्शन है ये पूरा। और गुलदाउदी की फ्रेंड्स मैंने कटिंग कर दी है और उसमें फ्रेंड्स है ना अब ग्रोथ पकड़ ली है। और ये फ्रेंड्स कलांचू है, अभी कलांचू की है ना जो बस अब ये थोड़ा सा थोड़े दिन की बात हो रही है फ्रेंड्स, और इसमें मस्त फ्लावरिंग होगी। देखो कितनी सारी इसके अंदर है जो वड़ बन रही है, और ये वाला बड़ा वाला है इसका। और फ्रेंड्स ये भी है ना कटिंग से ग्रो किया जा सकता है, छोटी से छोटी कटिंग लग जाती है इसकी। गेंदे हजारे की फ्लावर की मानी जाए ना तो फ्रेंड्स बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर है ये। और फ्रेंड्स सबसे बढ़िया बात ये है कि फ्रेंड्स ये कटिंग से लग जाता है और मेरे तो ना मस्त फ्लावरिंग हो रही है। और फ्रेंड्स ये एक ही पौधे के अंदर देखो, तो मैंने एक ही टहनी लगाई थी जिसमें से कितनी सारी है ना जो जगह जगह कलियाँ बन रही है और फ्लावरिंग भी बहुत मस्त तरीके से हो रही है। और फ्रेंड्स ये वाला मेरा दूसरा है जो केसरे रंग है। और फ्रेंड्स इसी के अंदर मेरा है ना जो गुलाब लग रहा है, अब गुलाब में भी मेरी एक कली बन रही है। और फ्रेंड्स ये भी पिंक, ये भी येलो कलर का है, तो देखो कुछ दिनों में इसकी भी खिलेगा, कली तो बन चुकी है। और फ्रेंड्स इसकी गुड़ाई भी करी थी रात सुबह, मैंने इनमें खाद भी डाल दिया है। और फ्रेंड्स कुछ हरी सब्जियां हैं जो मैं इनको हार्वेस्ट करूँगी। अब मेरा पालक, और फ्रेंड्स ये देसी वाला पालक है, ज़्यादा बड़ा तो हुआ नहीं है, फिर भी फ्रेंड्स मैं इसी को ही है ना जो अभी हार्वेस्ट कर लेती हूँ और हाथ से तोड़ूंगी फ्रेंड्स, जो क्या है कि बाद में साफ़ करने का भी झंझट नहीं रहेगा मेरे। तो फ्रेंड्स मैं अभी इसको हार्वेस्ट करके आपसे मिलती हूँ। ये देखो फ्रेंड्स थाली भी ले आई हूँ फ्रेंड्स, इसी में रख के और फटाफट से इसको फ्रेंड्स मैंने इसमें से हार्वेस्ट कर लिया है। और फ्रेंड्स मैं इसमें से भी हार्वेस्ट कर लेती हूँ। और फ्रेंड्स क्या है, मैं अगर पूरा वीडियो करूँगी तो फ्रेंड्स ये ना इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, तो मैं अभी आपको हार्वेस्ट करके बताती हूँ। और फ्रेंड्स इसमें धनिया भी आ रहा है, तो ये देखो धनिया भी ले लेते हैं। मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, जैसे फ्लावर प्लांट लगाते थे ना तो जैसे भंवरे होते हैं, जैसे मधुमक्खी आती है, तो फ्रेंड्स इनका आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि है ना जो इनसे है ना पॉलिनेशन होता है, जैसे परागण बोलते हैं, तो मैं दिखाती हूँ आपको। और फ्रेंड्स देखिए मधुमक्खी बैठी हुई है। और फ्रेंड्स फूल के प्लांट लगाना बहुत ज़रूरी है, तो फ्रेंड्स वेजिटेबल ग्रो कर रहे हैं तो फ्रेंड्स फ्लावर प्लांट लगाना बहुत ज़रूरी है। और मैं हर बार यही कहती हूँ दोनों चीज़ ही लगाना चाहिए फ्रेंड्स घर में। तो ये देखो मधुमक्खी कैसे रस चूस रही है इसका। मैंने जो हरी सब्जी है, तो फ्रेंड्स मैं ये गाजर है ना जो मैंने पत्तों की सब्जी बनाने की वजह से ही लगाई है, खाने की वजह से नहीं लगाई है, क्योंकि फ्रेंड्स हरी सब्जी बहुत अच्छी रहती है और विटामिन इसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं। तो फ्रेंड्स मैं अभी ये सारी सब्जी हार्वेस्ट कर लेती हूँ। हरी सब्जी है ना जो हार्वेस्ट कर ली है और थोड़ी और आगे करूँगी। और फ्रेंड्स अभी मेरे लहसुन बहुत सारा है ना जो कलियाँ लगाई थी फ्रेंड्स, वो बहुत बड़ी हो चुकी है, तो फ्रेंड्स उसमें से थोड़ी लहसुन की पत्तियाँ ले लेती हूँ। हरी सब्जी में बहुत टेस्टी लगती है, तो फ्रेंड्स मैं जब मर्जी पड़ते हैं ना तभी इसकी चटनी बना लेती हूँ। तो ये भी आप ना लगा सकते हो फ्रेंड्स अभी, और बहुत ईजी फ्रेंड्स इनको तो जो कली होती है ना लहसुन की उससे लगाया जाता है। तो फ्रेंड्स मैं तो ऐसे ही इनको लगा रखा है, तो मेरे ने जो बहुत टेस्ट लगता है हरी सब्जी के अंदर बहुत ही अच्छी रहती है फ्रेंड्स। और हरी मिर्ची और इसकी चटनी बनाओ बहुत शानदार लगती है फ्रेंड्स। ये देखो ये मैंने निकाल ली है, और फ्रेंड्स इसको भी रख देते हैं थाली में। ये देखिए, ये देखिए इतना सारा और ले लिया मैंने। फ्रेंड्स इसमें भी मैंने गाजर लगा रखी है, तो फ्रेंड्स मैंने सब्जी के पर्पज से लगा रखी है इसको। अब देखो इसमें गाजर तो बन रही है, अभी दिखाती हूँ आपको फ्रेंड्स, पर वो इतनी अच्छे से नहीं बनेगी फ्रेंड्स क्योंकि मैंने पास पास लगा रखी है ना। तो फ्रेंड्स मैंने सब्जी के मकसद से लगाई है क्योंकि इनके पत्तों की सब्जी मुझे हरी वाली अच्छी लगती है। तो इसमें से हार्वेस्ट कर लेते हैं फ्रेंड्स पत्ते पत्ते। और ये देखिए फ्रेंड्स थाली भर जाएगी आज तो मेरी फुल। फ्रेंड्स देखो मेरे टमाटर अब लाल होने में जा रहे हैं और थोड़ा लाल लाल कलर दिखने लग गया है।
और फ्रेंड्स टमाटर तो इस बार मेरे खूब सारे आएंगे, खूब सारे हैं ना जो बस फ्लावरिंग हो रही है मस्त, और फ्रूटिंग भी हो रही है फ्रेंड्स। अंदर मैं कैमरा आपको दिखा नहीं सकती हूँ क्योंकि पास पास लगे हुए हैं। और अब ये देखिए फ्रेंड्स, इधर तो ये एकला है तो इसमें दिखा देती हूँ मैं आपको, दिखाती हूँ आपको मेरी मूली। और फ्रेंड्स मूली इतनी अच्छी तरीके से बन रही है ना कि फ्रेंड्स मैं सोचती हूँ और भी डालूँ, पर फ्रेंड्स अभी मेरे पास कैरेट खाली नहीं है। जैसे कैरेट खाली होगा फ्रेंड्स तो मूली में और डालूंगी क्योंकि मुझे बहुत अच्छी तरीके से है ना रिजल्ट मिल रहा है उसका, मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए फ्रेंड्स मूली के पत्ते इतने सुंदर है, और देखिए फ्रेंड्स ये रही मेरी मूली और अच्छे से फ्रेंड्स ऊपर ही आ चुकी है ये, और कई जगह है फ्रेंड्स इसमें देखो। और ये देखिए, और मूली फ्रेंड्स ऊपर ही दिखने लग गई है और बहुत अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स इस प्रकार से जो घर में सब्जियां लगती है। और फ्रेंड्स बहुत इजी है मूली भी, बस फ्रेंड्स मैंने ना जो कम जगह लगाई है। और फ्रेंड्स आपको पता है कि मेरी क्या प्रॉब्लम है, तो मैं जब अच्छे से लगाऊंगी बाद में फ्रेंड्स, अभी तो चला लेती हूँ काम। फ्रेंड्स मैंने सर बीच बीच में मेथी भी डाली थी, तो इस वाली मेथी की ग्रोथ अच्छी है क्योंकि फ्रेंड्स ये दूर दूर अच्छे लगाते हैं ना फ्रेंड्स, तो अच्छी ग्रोथ होती है क्योंकि फ्रेंड्स इनको भी स्पेस चाहिए। अभी देखिए फ्रेंड्स इतनी सारी, और आज तो फ्रेंड्स मेरी है ना जो मिक्स है ना जो मिक्स वेज बनेगी इसकी हरी सब्जी की, मैंने इधर भी लगा रखा है। और मैंने एक बैंगन का प्लांट है ना फ्रेंड्स इधर से इस वाले इसमें से हटाकर फ्रेंड्स मैंने इधर लगाया है, और इसके अंदर एक सरसों का जो है जो बहुत अच्छे तरीके से ग्रो हो रहा है, तो फ्रेंड्स इसमें से सरसों के पत्ते ले लेती हूँ, तो क्या फ्रेंड्स मिक्स वेज बन जाएगी आज। और इसमें मेथी भी लगा रखी है, तो फ्रेंड्स मेथी भी मैं अभी इसमें से तोड़ लूँगी थोड़ी बहुत। देखो आज मेरी हार्वेस्टिंग में देखो ये लहसुन की पत्तियाँ हैं, सरसों के पत्ते हैं, गाजर के पत्ते हैं, और फ्रेंड्स इसके अंदर मेथी भी है देखो ये। तो फ्रेंड्स आज की जो हार्वेस्टिंग निकली है फ्रेंड्स बहुत अच्छी निकली है, और 1% फ्रेंड्स इसमें कचरा नहीं है। तो फ्रेंड्स मैं तो इस प्रकार से आप सभी से यही कहूँगी फ्रेंड्स कि आप लोग भी है ना अपने घरों में है ना थोड़ी थोड़ी सब्जियाँ लगाएं फ्रेंड्स। और ये देसी वाला पालक है इसके अंदर, तो फ्रेंड्स आज तो मेरे ना खूब सारी सब्जियां निकल चुकी, मतलब हरी सब्जी की हार्वेस्टिंग बहुत अच्छे तरीके से हो चुकी है। अभी मैं अगर आपको ना तोड़ के दिखाती ना मतलब सब्जियां, तो फ्रेंड्स वीडियो ना बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता, तो फ्रेंड्स मैंने आपको शॉर्टकट में दिखा दिया है। और फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहती हूँ, तो वो है मेरी मटर। ये देखिए फ्रेंड्स मेरी मटर बड़ी होने वाली है, अभी हो भी रही है। और फ्रेंड्स मैंने सुबह खाद डाला था जो लहसुन प्याज के छिलकों से, और ये देखो अच्छे दाने बन रहे हैं इसके अंदर, और फ्रेंड्स बहुत सारी जगह आ रही है। और फ्रेंड्स मैं अभी उठ के आपको और दिखाती हूँ, और ये देखिए फ्रेंड्स कितनी सारी मटर आ रही है फ्रेंड्स, बहुत अच्छी मात्रा में इसमें मटर आ रही है मेरे। तो बस अब थोड़े दिन की बात और है, फिर थोड़ी बहुत तो निकलेगी फ्रेंड्स मटर। मैंने जो अभी मैंने आपको बताया कि भाई मटर में मैं डाल रही हूँ वही खाद, और फ्रेंड्स अभी मैंने मेरे लौकी ने अच्छी से ग्रोथ पकड़ चुकी है, तो वो भी दिखाती हूँ आपको। मेरी लौकी बहुत दिनों में बन रही है फ्रेंड्स इस बार, क्योंकि है ना अभी थोड़ा सीजन ऐसा है ना सर्दी की वजह से, और फ्रेंड्स मैंने इसको ढक के रख रखा है, और फ्रेंड्स इसके अंदर भी एक लौकी, तो फ्रेंड्स ऐसे कवर करके रखती हूँ मैं। और फ्रेंड्स अभी बीज लगाए हैं मैंने लौकी के, पर वो उगे नहीं है, अभी थोड़ा टाइम लगेगा उनमें। नीचे मैं नीचे आ चुकी हूँ, और आज बनाएंगे हरी सब्जी। और फ्रेंड्स कल खाया था मीठा, तो फ्रेंड्स मीठा खाने से मेरे को तो ज़्यादा पसंद है नहीं है, तो मैं आ चुकी हूँ। और ये देखिए मेरी हरी सब्जी, और कितनी अच्छी लग रही फ्रेंड्स देखो। मैं आ चुकी हूँ, और मेरी बेटी ने चाय बना ली है, तो आप लोग भी चाय पी लीजिए। और फ्रेंड्स टाइम हो चुका है, चार बज चुकी है, 4:10 हो चुके हैं, तो चाय पी के अभी मिलती हूँ आपसे। चाय पी ली है, और आज मेरी हार्वेस्टिंग बहुत अच्छी निकली है फ्रेंड्स। और मेथी तो फ्रेंड्स मैंने कई जगह और भी लगा रखी है, पर वो क्या है कि मैंने ना अभी जो कट नहीं करी है, मतलब क्योंकि अभी थोड़ा दिन 2-4 दिन पहले भी फ्रेंड्स मैंने हार्वेस्टिंग करी थी, तो इस वजह से तो फ्रेंड्स क्या है कि अभी जैसे सर्दी है, तो फ्रेंड्स अभी पालक है, मेथी है, तो ये ना इसी तरीके से ग्रो हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग अभी भी लगा सकते हो, अभी भी जनवरी चल रही है। और एलोवेरा जो आपको बताया फ्रेंड्स, एलोवेरा भी एक मतलब एक औषधि पौधा है फ्रेंड्स, तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल में ये बताना चाहूँगी फ्रेंड्स कि उसको चेहरे पे लगाती है मेरी बेटी, तो मेरी बेटी के क्या चेहरे पे थोड़े से काले मतलब फुलसिया वगैरह हो गई थी, तो फ्रेंड्स उसके ना उससे बहुत आराम है। तो फ्रेंड्स इतने दिन से तो मैंने उसको ध्यान नहीं दिया था, और वो आज मैंने उसको उसके धूप के अंदर से निकाल कर फ्रेंड्स अलग से लगा दिया है। और फ्रेंड्स धूप क्या है कि ज़्यादा से ना जकड़ लेती है घास,
तो आज मैंने उसको अलग कर दिया है और अब अच्छे से फ्रेंड्स उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आज का वीडियो इतना ही है, और फ्रेंड्स मैं जो रोज़ आपको वीडियो को अपडेट देती हूँ ना, मैं आपको रोज़ वीडियो में अपडेट देती हूँ ना, तो फ्रेंड्स वो क्या है, देखो मैंने पहले भी बोला है कि गई गार्डन का काम होता है फ्रेंड्स, एक दिन में नहीं समझ में नहीं आता कोई भी चीज़ है, तो फ्रेंड्स जो रोज़ रोज़ मैं थोड़ा थोड़ा बताती हूँ ना, फ्रेंड्स मेरे वीडियो के अंदर आपको मतलब इतना सारी चीज़ें का मतलब मैं बता देती हूँ फ्रेंड्स। देखो मैं वो कोई वो उसमें छुपाने वाली बात नहीं है। तो फ्रेंड्स देखो ये तो हमारा काम है, तो मेरे को रोज़ ही कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो सुबह फ्रेंड्स जैसे लहसुन प्याज का पानी वो उबला के रख रखा था तो वो मैंने डाल दिया, और अभी एलोवेरा कर लिया। तो फ्रेंड्स क्या है कि इसमें टाइम इतना अच्छे से निकल जाता है और फ्रेंड्स माइंड एकदम फ्रेश रहता है बिल्कुल, कितने भी सोच विचार बिल्कुल भी नहीं आते। तो मैं तो भी फ्रेंड्स गार्डन लगाने से बहुत ही अच्छा मन रहता है, बहुत ही बढ़िया। आज का वीडियो इतना ही है, और फ्रेंड्स क्योंकि अभी है ना अभी 4:15 बज चुकी है, अभी फ्रेंड्स में वही 2 घंटे लगते हैं मुझे एडिटिंग करने में देखने में, और आज हमारे एक प्रॉब्लम हो रही है फ्रेंड्स, तो आज हमारे 12 बजे से लाइट गई है और अभी तक भी मेरी लाइट नहीं आई है। तो देखते हैं अभी कितने बजे तक लाइट आएगी, लाइट कटौती के बारे में कोई मुझे पता नहीं था पहले, तो वैसे चार्जर तो है थोड़ा बहुत मोबाइल अभी। तो अभी बस आपसे इतना ही है, तो आज का वीडियो इतना ही है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे मेरे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू, बाय बाय।